यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर के फिलहाल कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे विधानसभा का सत्र हो या दिल्ली में संसद का सत्र, वहां पर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार और यहां राज्य सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है और बार बार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच लोकसभा में भी हंगामा हुआ और साफ तौर पर जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर फिलहाल जिस तरीके के इशारे मिल रहे हैं उससे लगता है कि केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व फिलहाल अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। दरअसल संसद में जब सवाल किया गया तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात को सामने रखा कि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम संसद सत्र में आते हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष रचनात्मक चर्चा करे, ये विषय चर्चा का नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते कि संसद में इस पूरे मामले पर अगर कोई चर्चा होगी तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कानूनी प्रक्रिया में बाधित हो सकती है। ऐसे में ये इशारा साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलहाल इस मामले को लेकर के आलाकमान कोई बड़ा फैसला फिलहाल नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का सत्र रहा और इस सत्र के दौरान भी विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे और लखीमपुर का मामला सुर्खियों में रहा। तो वहीं राहुल गांधी ने संसद में मोर्चा संभाल रखा है और तमाम विपक्षी नेता लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल SIT की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से धाराओं आपको परिवर्तन करने की बात हुई और उसके बाद में अब जब आप मुकदमा हत्या का चल रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप एक दबाव फिलहाल के तौर पर सरकार के ऊपर नजर आता है, लेकिन इस पूरे मामले को सरकार जल्दबाजी में नहीं निपटाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसीलिए अभी भी सरकार या शीर्ष नेतृत्व अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे या उनको पद से हटाए जाने को लेकर के कोई ठोस फैसला फिलहाल नहीं कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात साफ नजर आती है कि लखीमपुर कांड के बाद लगातार BJP सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर के विपक्ष लगातार मुखर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गरमाता नजर आता है। हालांकि जब अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया तो उसके बाद में उम्मीदें जताई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद आलाकमान कोई इस पर फैसला कर सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के इशारे मिल रहे हैं और पार्टी के हवाले से आप जो चीज़ें समझ में आती हैं वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला होना संभव नहीं नजर आता और विपक्ष लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर के मुखरता से अब सरकार से दो चार करने की तैयारी में है। तो मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक, और हाँ, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका भी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।